हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नई वीडियो पर। आज हम बात करेंगे पंजाब के उन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो बदलने वाले हैं राज्य का चेहरा। पंजाब जो भारत का एक शानदार राज्य है, जो अपने रिच कल्चर, हिस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए मशहूर है, यही वो राज्य है जिसको भारत का गोल्डन लैंड ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। यही वो जगह है जहाँ की मिट्टी से खुशबू और खिलाड़ियों की लगन महकती है। और अब पंजाब अपने नए मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, पंजाब में नए हाईवेज, स्मार्ट सिटीज और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, जो आपको गर्व महसूस कराएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं इन धमाकेदार प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है जलंधर रिंग रोड। दोस्तों, शहर की ट्रैफिक समस्या के हाल के लिए जलंधर में बनाई जा रही है ये रिंग रोड। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लगभग 50 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाले इस जलंधर बाईपास के निर्माण के लिए टेंडर पहले से ही फ्लॉट हो चुके हैं। ये रिंग रोड कहलवा नेशनल हाईवे 03 से शुरू होकर कंग साबू नेशनल हाईवे 703 पर खत्म होगा। इस प्रोजेक्ट को भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड एनुटी मोड पर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 1263 करोड़ रुपया है। इस रिंग रोड से ट्रैफिक का लोड काफी हद तक कम। नंबर 9 पर आता है शाहपुर कांडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। पंजाब राज्य के पठानकोट जिले में प्रस्तावित शाहपुर कंडी डैम मौजूदा रंजीत सागर डैम के नीचे रावी नदी पर स्थित है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद पंजाब राज्य में अतिरिक्त 5000 हेक्टेयर भूमि और जम्मू कश्मीर में 32,173 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होगी। पंजाब UBDC प्रणाली 1.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है और ये परियोजनाएं उस भूमि पर सिंचाई सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगी। परियोजना पूरी होने के बाद पंजाब में 206 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता होगी। नंबर 8 पर आता है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 670 किलोमीटर लंबा है, जो 4 लेन वाइड कंट्रोल एक्सेस एक्सप्रेसवे है, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा, जो दिल्ली के पास बहादुरगढ़ सीमा को हरियाणा और पंजाब के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में कटरा से कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन 2 फेजों में होना है। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड अपग्रेड वाले एक्सप्रेसवे बन जाने से कनेक्टिविटी काफ़ी बूस्ट होगी और ट्रैवल टाइम को भी काफ़ी रिड्यूस करेगा। इस एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 40,000 करोड़ रुपया है। इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन 2025 रखी गई है। नंबर 7 पर आता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसको EDFC भी कहा जाता है, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर यूपी के खुर्जा होता हुआ वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक फैला होगा। ये रेलवे लाइन रेल मंत्रालय के तहत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही कई फ्रेट कॉरिडोर में से एक है। इस कॉरिडोर के द्वारा 1839 किलोमीटर दूरी कवर की जाएगी। इस कॉरिडोर से गुड्स का ट्रांसपोर्ट की जाएगी, जिससे राज्य को काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही इस कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल डेवलप्ड की जाएगी, जिससे काफ़ी जॉब भी जनरेट होगी। नंबर 6 पर आता है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी कहा जाता है, ये कॉरिडोर 7 राज्य से होकर गुजरेगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 1839 किलोमीटर है, जो पंजाब के अमृतसर से कोलकाता को कनेक्ट करेगा। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भारत के 40% लोगों को लाभ मिलेगी। जनवरी 2014 में इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव किया गया। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बेहतर ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए लुधियाना से कोलकाता तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के आसपास 150 से 200 किलोमीटर के क्षेत्रफल में औद्योगिक केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। नंबर 5 पर आता है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कोलेस्टर पटियाला। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत पंजाब के राजपुरा पटियाला में एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कोलेस्टर IMC प्रपोज किया गया है और इसके लिए राजपुरा शहर के पास 1100 एकड़ भूमि अलॉट किया है, जो कि नेशनल हाईवे 44 से 5.6 किलोमीटर दूरी पर है।
इस प्रोजेक्ट की प्रमोटर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन है। ये प्रोजेक्ट चंडीगढ़ से 55 किलोमीटर, मोहाली से 45 किलोमीटर और न्यू दिल्ली से 230 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट को PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप्ड किया जाएगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट से काफ़ी जॉब जनरेट होंगे, साथ ही देश के दूसरे हिस्सों के साथ साथ पंजाब के कनेक्टिविटी में सुधार होकर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा मिलेगा। नंबर 4 पर आता है दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ये एक प्रपोज्ड हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जिसकी लंबाई 465 किलोमीटर है, जो चंडीगढ़ और अमृतसर को दिल्ली के साथ कनेक्ट करेगा। इसके लिए 55 फीट वाइड डेडिकेटेड ट्रैक बनाया जाएगा, जो कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक 13 स्टेशन होता हुआ गुजरेगा। इस ट्रेन की कैपेसिटी 750 पैसेंजर्स की होगी। इस रेल की मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की होगी और ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर की होगी। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद दिल्ली से अमृतसर जाने में बस 2 घंटे का समय लगेगा। नंबर 3 पर आता है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाले हैं। ये एक्सप्रेसवे भारत की सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है। ये एक्सप्रेसवे भारत के उत्तर पश्चिम में 4-6 लेन चौड़ा 1257 किलोमीटर लंबा होने वाली है। इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे को अमृतसर जामनगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये एक्सप्रेसवे भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं। ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो एक साथ 3 प्रमुख तेल रिफाइनरियों को भी कनेक्ट करेगा। ये 3 रिफाइनरी भटिंडा, बाड़मेर और जामनगर है। दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट लगभग 80,000 करोड़ रुपया है। इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे इसकी लंबाई और बढ़ जाएगी। इस परियोजना से अमृतसर जामनगर के बीच यात्रा की दूरी 23 घंटों की बजाय महज 12 घंटे रह जाएगी। नंबर 2 पर आता है लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट लुधियाना शहर से 32 किलोमीटर दूर हलवारे में स्थित है। अमृतसर और चंडीगढ़ के बाद ये पंजाब का तीसरा एयरपोर्ट होगा। ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लुधियाना इंटरनेशनल सिविल टर्मिनल निर्माण के लिए हलवारा में लगभग 161.27 एकड़ जमीन ली है, जहां एयरबस A320, बोइंग 737-700 विमान प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर इंटरनेशनल रोड, टैक्सीवे, पब्लिक हेल्प सर्विस, कैंपस लाइटिंग और टर्मिनल बिल्डिंग को डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 47 करोड़ रुपीस है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से आसपास के क्षेत्र को काफ़ी फायदा मिलने वाली है, क्योंकि ये एयरपोर्ट ना सिर्फ डोमेस्टिक पैसेंजर को हैंडल करेगा, बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट की सर्विस भी यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। नंबर 1 पर आता है चंडीगढ़ मेट्रो। चंडीगढ़ मेट्रो, जिसे ट्राई सिटी मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों चंडीगढ़ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को करीब 14 साल के लंबे इंतजार के बाद यूटी प्रशासन की अंतिम मंजूरी मिल गई है। अब चंडीगढ़ में भी जल्दी मेट्रो सेवा मिलेगी। चंडीगढ़ मेट्रो रेल सेवा हरियाणा के पंचकुला और पंजाब के मोहाली शहरों को भी कवर करेगी, और इसीलिए इसे ट्राई सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। इसको 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 114 किलोमीटर है, जिसके लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। चंडीगढ़ मेट्रो रेल परियोजना की योजना 3 शहरों की भारी ट्रैफिक समस्याओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। मेट्रो रेल शुरू होने के बाद चंडीगढ़, पंचकुला और मोहालियों के निवासियों को फास्ट और कंफर्टेबल सेवा मिलेगी। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है ऐसे नए नए वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।